सांप कभी गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटता? दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि प्रकृति ने सांप को कुछ ऐसी विशेष इंद्रियां प्रदान की है जिससे कि वो बड़ी आसानी से ये पता लगा लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं, क्योंकि गर्भधारण के बाद स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जो कि सांपों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। लेकिन यदि हम ये मान भी लें कि सांप को एक महिला के गर्भवती होने का पता चल जाता है तो फिर सांप उसे काटता क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इससे जुड़ी एक कथा बताई गई है। दरअसल एक बार की बात है, शिवालय में गर्भवती बाछल शिव भक्ति में मंत्र मुक्त हो तपस्या में लीन थी। तभी उसे दो नागों ने आकर बिना किसी कारण के ही परेशान और दुखी करना शुरू कर दिया। तब उस गर्भ में मौजूद शिशु ने पूरे नाग वंश को शाप दे डाला कि आज के बाद कोई भी नाग नागिन या सर्प सर्पिणी गर्भवती महिला को देखते ही अंधे हो जाएंगे। बस तभी से ये मान्यता चली आ रही है।